अस्सलाम वालेकुम। 21 जोड़े हैवी ज्वेलरी एंड अ ब्रांडेड वॉच, हमने अपनी शादियों को इतना मुश्किल क्यों बना लिया? इस्लाम के अंदर तो जहेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप रिस्पेक्ट करें अपनी मदर इन लॉ की, पर आप गुलामी ना करें। जो लोग ये कहते हैं कि औरतों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये कौन लोग हैं? और ऑनर किलिंग, कारोकारी, इसका तो हमारे रिलीजन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मसला तब होता है जब दो कल्चर्स का क्लैश होता है, जब कोई बंदा किसी लिबरल फैमिली से निकल के किसी कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर जाता है, या फिर किसी कंजर्वेटिव फैमिली से निकल के किसी लिबरल सोसाइटी के अंदर जाता है। ये डिफरेंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे स्टैंडर्ड्स कहाँ से बने हुए हैं। या तो हम अपनी ज़िंदगी बेस करते हैं कुरान और हदीस से, या फिर हम वो करते हैं जो हमारे ख़ानदान में चलता आ रहा है। हमारी मुनाफिकत तो देखें, हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो इस्लाम में और कल्चर के अंदर मिलती हुई होती है, और जो नहीं मिलती वो हम छोड़ देते हैं। यहाँ से दो किस्म के लोग निकलते हैं, एक वो जो अपने कल्चर और अपने रिचुअल्स के अंदर फंसे हुए हैं, और दूसरे इतने ओपन माइंडेड हैं कि वो हाथ से ही निकल गए। अब ये आपके ऊपर है कि बहैसियत मुसलमान आप इस्लाम को प्रीच करते हैं या फिर आपका कल्चर क्या है। आप पाकी हैं, आप देसी हैं, आप अमेरिकन हैं, आप ब्रिटिशर हैं, आप हैं कौन? जब रिलीजन और कल्चर का क्लैश होता है और उसके अंदर नॉलेज नहीं होती, तो हम वो करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। खास तौर पे द पीपल हु लिव अब्रॉड, वो रिलीजन के नाम पे कल्चर को इतना प्रीच किया जाता है कि उससे चिड़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमें ये तो समझा दिया गया कि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर कमीज शलवार है और वेस्टर्न कल्चर के अंदर पैंट शर्ट है, पर क्या कभी किसी ने हमें ये समझाया है कि एक मर्द और औरत का सतर क्या है? अब लोग बहाने बनाते हैं कि इस्लाम ने इन चीज़ों को कैटर ही नहीं किया, जबकि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कल्चरल नॉर्म्स को चैलेंज किया था और हमें बता दिया था कि अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के तरीके से कैसे गुजारनी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस्लाम को समझें और अपनी पूरी ज़िंदगी इस हिसाब से गुजारें। हम रिलीजन को प्रीच करें, ना कि अपने कल्चर को। जज़ाकअल्लाह।